नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बट सावित्री व्रत में हमें क्या खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। और कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि व्रत छूट गया है तो क्या कर सकते हैं, बासी जल से पूजा कर सकते हैं, हमारे घर में पानी जो है सुबह सुबह नहीं आता है तो, और कलश रखने के कितने देर बाद हमें कलश उठानी चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे और क्या खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए ये भी जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, बट सावित्री का व्रत इस वर्ष 2024 में कब है, 6 जून को है, दिन है गुरुवार। गुरुवार के दिन ही हमें व्रत रखनी है, पूजा पाठ करनी है। जितने नियम धर्म है बहुत सारे वीडियोज डाल चुके हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आपको बता दूं कि इस व्रत में मतलब आप लोग पूछे हैं क्या खाना चाहिए दीदी मीठा में। व्रत तो कई प्रकार से लोग रखते हैं, लेकिन खाने की बात अगर आप लोग मान लीजिए कुछ मीठा खाते हैं और जो भोजन कर लेते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, तो भी ध्यान रखिएगा लहसुन प्याज मत खाइएगा अगर आप नॉर्मल भोजन करते हैं तो। और जो मीठा खाते हैं तो देखिए, मीठा में आप लोग पुआ भी खा सकते हैं, सूजी का हलवा खा सकते हैं, पूड़ी खा सकते हैं, और ये ठेकुआ जो बनता है ना, और उसको क्या बोलते हैं जो कड़क वाला, वो जो छठ पूजा में हम चढ़ाते हैं वो भी खा सकते हैं। और आप लोग जो है जैसे पराठा और गुड़ भी खा सकते हैं, इस प्रकार की मीठी चीज़ें खाते हैं। अधिकतर लोग पुआ खाते हैं, ठीक है, सॉफ्ट भी रहता है, पेट भी भर जाता है और अच्छा रहता है। ध्यान के आपको रखनी है कि दो अनाज आपको एक साथ नहीं खानी है, जैसे कि खीर पूड़ी मत खाइएगा, कोई एक ही अनाज आपको खानी है। और मीठा आप जब अगर खाकर व्रत रख रहे हैं तो आप लोग एक ही अनाज खाइएगा। कई ऐसी बहनें पूछी हैं कि दीदी उस बार हम जैसे फल पे व्रत रखे थे तो क्या इस बार हम मीठा कुछ भोजन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही आपको किसी भी प्रकार के व्रत करनी चाहिए, जोर जबरदस्ती अपने शरीर से कभी मत कीजिएगा, ठीक है। और आगे ध्यान क्या रखनी है, आप लोग पूछे दीदी एक समय ही मीठा भोजन करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दिन में जैसे फल फलहार लोग पूजा पाठ करके कर लेते हैं, आप जब भूख लगती है तो मीठा कुछ भी खा सकते हैं, एक समय का कोई नियम नहीं है। पुआ जैसे मान लीजिए कि पूजा करके आके दो खा लिए, या शाम को भी खा सकते हैं, कुछ लोग एक समय ही खाते हैं, तो आप अपने घर का नियम भी देख लीजिएगा। और जिनसे नहीं रहा जाता वो केवल पूजा पाठ करके पति पूजन करके आप जो है शुद्ध सात्विक भोजन कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब चलिए जो आप लोगों के प्रश्न है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे हमारा ये व्रत छूट गया है तो क्या दोबारा कर सकते हैं? जी ऐसा कुछ नियम नहीं है कि एक बार व्रत छूट गया तो हमें दोबारा नहीं करनी चाहिए, आप एकदम आराम से ये व्रत आप लोग कर सकती हैं। दूसरा नियम क्या है कि कलश अगर वहां रख कर पूजा करेंगे या घर में रखेंगे तो कब उठाएं? तो घर में अगर आप लोग कलश रख कर पूजा करती हैं तो सुबह पूजा करती हैं तो शाम को आपको कलश उठानी चाहिए, तुरंत पूजा के बाद नहीं उठानी चाहिए। अगर पेड़ के पास बट वृक्ष के पास आप लोग पूजा करते कलश रख के तो कुछ देर तो रहनी चाहिए, पूजा मतलब करने के तुरंत बाद नहीं कलश हिलानी चाहिए उठानी चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट वहाँ रहने दीजिए, उसके बाद ही आप लोग लेकर आइएगा, ठीक है। जो लोग भी कलश रख के पूजा करते हैं, हम लोग कलश रख के पूजा नहीं करते, आप अपने घर के नियम के अनुसार ही कार्य कीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे हमारे घर पानी जो है सुबह सुबह नहीं आता है तो क्या हम 5 तारीख को जो पानी रखेंगे 5 जून को 6 जून को इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा के लिए? तो जी बिल्कुल, गंगा जल है तो जरूर मिला लीजिए, नहीं है तो भी कर सकती हैं, शुद्धता को ध्यान में रखते हुए अलग से साइड से पानी को जल को आप लोग रख दीजिएगा, क्योंकि भगवान सबकी मजबूरी समझते हैं, जो है यथाशक्ति तथा भक्ति, जो है जितना है जो उस समय मिल जाता है उसी से हम पूजा करनी है, बहुत अधिक बाउंडर में हमें नहीं पड़नी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप बासी जल से भी पूजा कर सकती हैं, जब नहीं मिलेगा तो कहाँ से लाएंगे। अगला आप लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत सारी बहनें पूछी हैं
कि जैसे हमारे घर में ये व्रत दीदी आज तक किसी ने नहीं किया है, तो देखिए बहुत सारे लोग हैं कि जिनके यहाँ ये सब जानते ही नहीं है, तो वो लोग नहीं करते थे, तो अभी हमारे घर में कोई रोक नहीं रहा है, तो क्या ये व्रत मैं उठा सकती हूँ? तो जी आप लोग उठा लीजिएगा। जब आपके यहाँ कुछ ऐसे मतलब मनाही नहीं है, कोई मान नहीं है, कुछ नियम नहीं है कि नहीं करना चाहिए, सहता नहीं, तो जब कोई जानता ही नहीं है तब आप लोग व्रत उठा सकती हैं। घर परिवार के लोग बोलते हैं तो उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ जैसे सहता नहीं है तो वो लोग नहीं करते हैं, तो उसमें तो करनी भी नहीं चाहिए, रिस्क नहीं लेनी चाहिए। जब बड़े बुजुर्ग पहले के पूर्वज लोग किए होंगे, कुछ घटना हो गया होगा तो उस घर में सहता नहीं है तो वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन जिनके यहाँ होता ही नहीं है और करने का दिल कर रहा है तो इस साल आप लोग उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नया व्रत की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं, पहली बार हो या जब मान लीजिए करने का दिल कर रहा है। सारी बातें समझ में आ गई। और पूजा का शुभ मुहूर्त आप लोग बार बार पूछती हैं, तो देखिए पूजा का शुभ मुहूर्त कुछ नहीं है, जब आप तैयार हो जाती हैं तभी आप लोग जाकर पूजा पाठ कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि जितना सुबह आप पूजा कर ले वही सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से सुंदर कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। सूर्योदय से पूर्व भी आप लोग कर सकती हैं, जितना सुबह जाइएगा उतना आपके लिए लाभकारी होगा। आप लोग जो है जल्द से जल्द अपना पूजा पाठ करके घर वापस भी आ सकती हैं, कुछ खा पी सकती हैं, और पति पूजन अगर कर सकती हैं तो कर लीजिएगा, नहीं कर पाती हैं तो भी आप लोग जल ग्रहण कर लीजिएगा, शाम को भी पति पूजन आप लोग कर सकती हैं। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई और आप सभी को बट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।